नहीं दी जाती है तो आप काम क्यों करते हैं? टाइम जब पहला पेमेंट इनके पास होता कहते रहते हैं कि भाई आप काम करो, ये पेमेंट आपको 2 दिन 4 दिन 8 दिन में दे देंगे। अब मजदूर तो इंतजार करता रहता है, पिछला पैसा हमें मिल जाएगा, आगे वो काम करते रहेंगे। अब अगर मान लो छोड़ के चला जाए साल भर 6 महीने का पैसा, तो मजदूर कहाँ जाएगा भाई? वो तो वेट करता रहता है, टाइम देते रहते हैं ये कि भाई आपको आज नहीं 10 दिन के बाद दे देंगे, काम करो। काम करते चले जाते हैं, फिर 10 दिन के और चढ़ जाते हैं आगे पैसे। तो बताइए, तो पेमेंट आपको कैसे देते हैं वो भाई? चेक देते हैं या बैंक में देते हैं, कैश देते हैं? कभी कैश भी दे देते हैं और बाकी बांटते हैं लेबर को पेमेंट। चेक कहाँ देते हैं? कैश ही देते हैं सारा। चेक दे करके चेक बाउंस करा देते हैं, फर्जी चेक बना के दे देते हैं भाई। कोई किसी किस्म का कानून किसी का? मैंने जैन कौन कंपनी में काम किया था सर, गुड़गांव M3M में 83 से 64 में। चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, 50,000 का चेक दे के उन्होंने बोला ये काम ख़त्म करवा लो। मेरे पास चेक अभी घर पे है, उसकी फ़ोटो है मेरे पास, वो चेक रखा हुआ है मोबाइल में है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 50,000 का चेक दे के और 10-15 आदमी लेके हम काम करवा रहे थे। अभी 3-4 लाख रुपये लड़के पा रहे हैं, इतना फ़ोन कर रहे हैं कि मतलब अस्वस्थ हो गए हम लोग। आखिर करें क्या, किसके पास जाए, कहाँ जाए, किसको बोले, यानी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। यानी काम मोहम्मद रागीब अली है। हाँ जी, तो आपको जो 50,000 का चेक दिया था उन्होंने, हाँ, तो फिर आप वो कैश नहीं हुआ? नहीं सर, वो कैश नहीं हुआ, वो चेक अभी तक पड़ा हुआ है। वो मेरा अकाउंट से भी पैसे कट गए, 250 के करीब मेरा अकाउंट से पैसे कट गया है, बाउंस कर दिया वो चेक को, तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये है भारत देश के अंदर एक तरफ कहा जाता है कि मजदूर होगा हम शोषण बंद करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नाक के नीचे ही मजदूरों का शोषण हो रहा है। जो साथी ने बताया ये और जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या मांगा है।